मुंबई के नजदीक मड आइलैंड अपने आप में एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन से कम नहीं। लोग अरब सागर का मनमोहक नजारा देखने के लिए यहाँ आते हैं। वहीं मड आइलैंड बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग के लिए भी बहुत मशहूर है। मड आइलैंड में बहुत सारे स्टूडियोज हैं। वहीं यहाँ पे कई फिल्मी सितारों ने अपने बंगले ले रखे हैं। गोविंदा, मिथुन चक्रवर्ती, श्रद्धा कपूर समेत कई स्टार्स का यहाँ पे घर है। इन घरों में या तो वो खुद रहते हैं या फिर हॉलीडेज के लिए किराए पर देते हैं। मड आइलैंड अरब सागर के बीच एक खूबसूरत द्वीप। यहाँ से अरब सागर का मनमोहक दृश्य देखने का मजा ही अलग है। लोग मुंबई की भाग दौड़ से दूर सुकून का पल यहाँ बिताना चाहते हैं। वो मड आइलैंड के किनारे खींचे चले आते हैं। यहाँ पर सैकड़ों बंगले हैं, कई स्टूडियोज हैं, जिसे किराए पर लेकर फिल्मों की शूटिंग होती है। मड आइलैंड फिल्मों की शूटिंग के साथ साथ बॉलीवुड के आशियाने के लिए भी मशहूर है। चलिए आपको दिखाते हैं किन किन बॉलीवुड सितारों ने इस द्वीप पर बना रखा है अपना आशियाना। गोविंदा, बॉलीवुड के हीरो नंबर वन गोविंदा का मड आइलैंड में है आलीशान बंगला। चीची ने प्रॉपर्टी में काफी निवेश किया है। गोविंदा के पास मुंबई और उसके आसपास के इलाके में तीन बंगले हैं। इनमें से एक बंगला मड आइलैंड पर है और एक बंगला मुंबई के पॉश एरिया जुहू में है, जहां वो अपने परिवार के साथ रहते हैं। मड आइलैंड बंगले को उन्होंने हॉलिडे होम बना रखा है। कभी कभार यहां फिल्मों की शूटिंग भी होती है। मिथुन चक्रवर्ती, मिथुन दा को भी मड आइलैंड से प्यार है। उन्होंने भी इस द्वीप पर बना रखा है अपना हॉलिडे होम। मिथुन का मड आइलैंड वाला बंगला शूटिंग और हॉलिडे के लिए किराए पर दिया जाता है। कभी कभी उनकी फैमिली यहाँ छुट्टियां मनाने भी आती है। श्रद्धा कपूर, श्रद्धा कपूर यूं तो रहती हैं मुंबई के जुहू में, लेकिन मड आइलैंड में भी है उनका एक आलीशान घर। करीब 20 करोड़ खर्च कर श्रद्धा ने ये आलीशान बंगला खरीदा है। अक्सर वो अपनी फैमिली संग सुकून के पल बिताने के लिए मड आइलैंड चली आती हैं। वहीं उनका बंगला शूटिंग और हॉलिडे के लिए भी किराए पर दिया जाता है। पंकज त्रिपाठी, कभी एक कमरे के मकान में रहने वाले पंकज त्रिपाठी ने साल 2019 में मुंबई के मड आइलैंड में शानदार घर लिया था। उन्होंने यहाँ बंगला बनवा रखा है। पंकज ने जब अपने बंगले में गृह प्रवेश पूजा की थी, तब उन्होंने इस दौरान कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की थी। पंकज के आलीशान बंगले में 6 बेडरूम हैं। उनका घर काफी बड़ा और खुला है। घर का एक एक कोना बेशकीमती सजावटी सामानों से सजा है। पंकज त्रिपाठी यहाँ अपनी वाइफ मृदुला और बेटी आशी के साथ रहते हैं। यहाँ से शूटिंग के लिए वो मुंबई जेट्टी से आते जाते हैं। मड आइलैंड को उन्होंने अपना आशियाना बना रखा है। मंदिरा बेदी, बॉलीवुड एक्ट्रेस मंदिरा बेदी ने भी मड आइलैंड में रिजॉर्ट जैसा बंगला बनवा रखा है। मंदिरा बेदी ने 15 साल पहले मड आइलैंड में ये शानदार घर खरीदा था। अक्सर मंदिरा अपने बच्चों संग यहाँ छुट्टियां बिताने आती हैं। उनका 4 बेडरूम का ये विला बहुत ही खूबसूरत है। इस विला को हॉलिडे के लिए किराए पर भी दिया जाता है। अर्चना पूरन सिंह, कपिल शर्मा के शो में जोर जोर से ठहाके लगाने वाली अर्चना पूरन सिंह भी मड आइलैंड की निवासी हैं। अर्चना पूरन सिंह का मड आइलैंड में एक आलीशान बंगला है, जिसकी काफी चर्चा होती रहती है। बता दे, इसकी कीमत करोड़ों में बताई जाती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मड आइलैंड में उनका 2 BHK विला 12 करोड़ रुपए का है। अर्चना अक्सर अपने मड आइलैंड वाले बंगले की झलक सोशल मीडिया पर दिखाती रहती हैं। मड आइलैंड में बॉलीवुड की कई फिल्मों की शूटिंग हुई है। हजारों फिल्में यहाँ शूट हुई। आपको बता दें कि टाइगर 3 फिल्म की भी शूटिंग यही हुई थी, जहाँ शाहरुख खान और सलमान खान की फाइटिंग सीन्स है, जहाँ शाहरुख खान जो है सलमान खान को जेल से छुड़ा कर लाते हैं। इसके अलावा राम सेतु और आदि पुरुष जैसी फिल्मों की भी यहाँ शूटिंग हुई। आए दिन यहाँ फिल्मों की शूटिंग होती है। वहीं बॉलीवुड सितारों ने इन्वेस्टमेंट पर्पज से यहाँ पर घर ले रखे हैं।